हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ रोदाजी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी कीपैड के चाइना मोबाइल के बटन की सप्लाई ट्रेस कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से और कुछ ही सेकंड के अंदर। बस आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास तीन प्लेट है चाइनीज़ की। तो आपको पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, तो आपको उसको पूरा सही से समझ लेना है, उसके बाद आपको सप्लाई ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। तो आप ये डायग्राम को देख सकते हैं, आपको इस डायग्राम को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है चाइना के मोबाइल में कि वो सेम ही होते हैं एक तरीके से। तो अब ये सेम होते हैं ना, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे सेम होते हैं। इनके जो 1, 2, 3 उनके जो नीचे से जितने बटन है 4, 5, 6, 7, 8, 9 *0 है, तो इनकी सप्लाई एक जैसी होती है। मतलब हर एक चाइना का मोबाइल जो आता है ना, वो चाइनीज़ कंपनी का, तो उसमें सब में एक जैसी सप्लाई होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी बी इसमें सप्लाई कैसे दी जुड़ी होती है मैं आपको बता देता हूँ इस डायग्राम के अंदर। तो जैसे अभी ये एक नंबर में आपको बीच लाल रेड वाला ये दिख रहा है वायर, तो आपको यहाँ से यहाँ बीच वाले और उससे तीसरे नंबर के बीच वाले, तो यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ी होती है। फिर नीचे वाले 4, 5, 6 में भी सेम ऐसा ही होता है, 7, 8, 9 में भी ऐसा ही होता है, और नीचे भी ऐसा ही होता है। तो ये प्लस की सप्लाई रहती है जो सेम ही होती है ज़्यादातर चाइनीज मोबाइल में। और आपको जो ये माइनस की सप्लाई है, जैसे अभी ये साइड वाला, तो इसकी सप्लाई आपको जैसे लाइन बाय लाइन ही मिलेगी। तो जैसे बाय लाइन लाइन ही मिलेगी, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास तीन चाइनीज़ मोबाइल की प्लेटें हैं, तो आपको ये स्टेप ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको डायग्राम को समझने के बाद आपको मैं जैसे बता देता हूँ, अभी एक नंबर पर रखता हूँ मैं, ये दूसरे नंबर पर रखने पर ये देखो मीटर चालू, ठीक है आप चालू कर दिया। तो अब ये मैंने एक नंबर के बीच वाले सेक्शन में रखा, फिर दूसरा वाला ये दूसरे वाले के बीच के सेक्शन, तो ये बीप बोल रहा है जैसे मैंने आपको उसमें बताया था प्लस वायर। तो अब मैं तीसरे पे रखता हूँ, तो अभी ये बीप बोल रहा है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कंटिन्यूटी जुड़ी हुई है। तो अब मैं वो भी नीचे ही चेक करता हूँ वही सेम, तो देखो आप ये भी जुड़ी हुई है और ये रेड वाली यहाँ भी जुड़ी हुई है, प्लस प्लस पूरे जुड़े होते हैं इसमें। और आपको माइनस भी चेक करके दिखा देता हूँ, तो ये चेक करने पर आप देखो माइनस भी ऐसे ही जुड़ा होता है, पूरा का पूरा ये ऐसे ही जुड़ा होता है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं आपके मोबाइल हो तो आपके पास। अब मैं दूसरी वाली प्लेट में भी चेक करके दिखा देता हूँ, तो आपको देख सकते हैं ये इसमें भी ये सेम प्रोसेसर किया गया है इसमें, ये देख सकते हैं आप। अब माइनस की भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आपको, मतलब आप अगर इस डायग्राम को सही से समझ जाएंगे तो आपके ज़्यादा मोबाइल को जो बटन की अगर सप्लाई आउट हो जाती है तो आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी मान लो मेरे 5 नंबर की बटन की सप्लाई गायब हो चुकी, तो अब मुझे कैसे ढूंढनी ये भी बता देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, पहले अभी मान लो 5 नंबर की दोनों की सप्लाई आउट हो चुकी है मेरे एक तरीके से मान लो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि आपको क्या करना है, आपको एक नंबर के जो है पॉइंट है जिस पर सप्लाई आ रही है तो उस पर रखना है। उस पर रखने के बाद आपको पहले चेक करना है कि इस वाली लाइन किस साइड पर है, तो अभी ये इस साइड पर बीप बोल रही है, तो आपको यही प्रोसेस ध्यान लगाना है कि अभी यहाँ पर यहाँ लगाना पड़ेगा। तो अभी ये यहाँ से यहाँ है, तो आपको इस वाला यहाँ से एक जम्पर लेकर यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर लगाने के बाद आपका बीच वाले का सप्लाई आ जाएगा। तो और आपका माइनस का जो सप्लाई है ये कहाँ पर लगाना है तो ये बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने बताया था माइनस की सप्लाई ये रहती है, तो ये आपको यहाँ पर देखो ये बीप बोल रही है, तो वैसे ही जस्ट आपको इधर आना है, इधर से इधर, तो ये देखो बीप बोल रही है। तो आपको इससे जंपर उठा के यहाँ दे देना है, या फिर यहाँ से उठा के आप यहाँ भी दे सकते हैं। तो अभी सेम यही प्रोसेसर आपके हर प्लेट में, अभी मैं आपको एक और प्लेट में चेक कर दूँ, इसमें थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखना। तो अभी मैं इसमें यहाँ जैसे यहाँ लगाता हूँ, तो अब बीप नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसका थोड़ा अलग है। अब इसका मैं इधर लगाऊंगा इस पर, तो ये बीप बोल रहा है, तो इसका बीच वाले सेक्शन की लाइन इस लाइन में है पूरी, और इसकी माइनस वाली सेक्शन सीधी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपके पास ये वाली या ये वाली प्लेट कोई सी भी आ सकती है, लेकिन ये इन दोनों से अलग नहीं आ सकती। तो वैसे जियो के फ़ोन में भी ज़्यादातर ऐसे लाइन्स ऐसे ही लगे होते हैं, आपको वो तो चेक कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है, और आपको बस डायग्राम ध्यान से समझना है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से जाके देख सकते हैं आप।
तो इसमें आप हर एक की सप्लाई लगा सकते हैं। आप चाहे तो, अगर मैं आपको देखकर मैं बता देता हूँ, अगर आप बिना मीटर के ही अपना मोबाइल की अगर कोई की काम नहीं कर रही है आपके, तो आपको एक कैसे सही करनी है, तो आपको दो चिमटियाँ लेनी है। तो आपको मैं बताऊँ, आप अभी ऐसे कैसे आपको मोबाइल को ऑन कर लेना है। मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं है अभी, मैं आपको चेक करके दिखा दूँ, पर मैं आपको रियली बता रहा है। अगर आपके वर्क ना करें ना, तो मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को डिसलाइक मार देना अगर वर्क ना करे तो। तो अभी देखना, अभी जैसे मेरे अभी ये दो नंबर का जो पॉइंट है, जिसमें मेरे इसमें बीच की सप्लाई आउट है, ठीक है, बीच की सप्लाई आउट है। तो आपको क्या करना है, एक चिमटी से इन दोनों पर ये रखना है। तो आपको जैसे टच होएगी, तो इसमें बीच वाले पे सप्लाई तो आई नहीं, तो वैसे क्या आपका बटन काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, इस एक पॉइंट है ना जो बीच का, तो आपको उस पर रखना है, टच करके देखना है। तो इधर अगर आपका बटन काम ना करे, तो आपको बीच वाले पे रखना है। तो आपका कहीं ना कहीं पे रखने से ऐसे अड़ाएंगे ना आप, इसे इसका टच करेंगे तो आपके बटन वर्क करेगा। ये मैंने खुद पहले किया है, जब जाके आपको बता रहा हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, और अगर आपको ऐसे ही नॉलेज वीडियो चाहिए तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो रहे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।